गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ। आज मैं मॉर्निंग बैच में नहीं गई, तो सोच रही हूँ सेकेंड बैच में चली जाऊँ एरोबिक्स में। तो चलते हैं एरोबिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स मैं इसी बैच में जाती थी, लेकिन काम के चक्कर में टाइम एडजस्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैंने मॉर्निंग का कर लिया। तो आज ही मेरी आँखें थोड़ी में उठ नहीं पाई। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज जल्दी गई हुई आजकल घूमने, तो वृत्ति ले रही हमारी क्लास की सर्विस पहली वृत्ति। तो चलते हैं। अरे आज पता क्या, वो उठी सो गई, अलार्म बजा, फिर आँखें नहीं खुली। तो मैंने कहा क्लास ना छोड़ूंगी, इसलिए मैंने कहा इस टाइम चली जाती, वैसे मुश्किल होता है। आपको मैं इतने मैसेज और कॉल करे जा रही हूँ कि मेरे को भी जाना है। हेलो शीतल जी, क्या हाल चाल? सोने हो, इतने पतले हो गए हो यार। अच्छा, नजर आ रही हूँ? नजर आ रहे थोड़े थोड़े। शुक्र है शीतल जी, आराम करने को मिल गया हमें। सच में यार, आपको जाकर आप तो हमारी नई आठ गो दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, एरोबिक्स हो चुकी है डन। ये 51 रुपए वाले फ्रेंड से मिल लीजिए हमारे। 51 रुपए में भगवान ने तुम जैसे ही दिया मुझे। हम 51-100 वाले हैं। आप भी 51 वाले हो। अब हम आपको 51,000 के कर देंगे। हम 51-100 वाले हैं। आज फ्रेंड इनके बैच पे रोनक 51,100 रोनक आ गई है। क्यों? क्योंकि आज आप किसी आए हैं। ये हमारी कार है, ये हमारा जिम है, ये हम है, ये हमारी राखी जी, और ये हमारी भारी हो रही है वर्कआउट। चलिए शीतल जी, बाय। 51,000 याद रखना, 51,000 एंड 51 बैक करो। 51,000 फ्रेंड ये कह रही है 51 है, मैं 51 51,000 चलो 51 तो है ना, 1000 और 51 लग गया ना, ज्यादा जीरो लगे हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, मोनिका जी के साथ में, ओके बाय वृत्ति। ये लो वृत्ति, बहुत अच्छा कराया तुमने, पसीनों से भर हुए गले मत मिलो। तो फ्रेंड्स हो चुकी है डन एरोबिक्स, घर पे बहुत काम पड़ा है, अब जाके देखो क्या क्या काम मिलेगा करने के लिए। मैं आ चुकी हूँ घर पे, अब देखते हैं घर पे क्या काम है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं बना रही हूँ चाय, मीनू अभी तक सो रही थी तो अब उठाया मैंने उसको चाय के लिए। प्रिपेयर हो रही है टी, और ये मीनू सो रही है, देखो ठाट मायके के बैठ के चाय। मेरे भैया भाभी देखेंगे ना वीडियो। ये पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सुबह सुबह ये टीवी, वो बेचारा कोई सो रहा है उसके सर में दर्द हो सकता है, इनका टीवी नहीं बंद होता। तू ये लाउड स्पीकर के तरह चिल्ला रही है तब सर दर्द नहीं होगा ना? उससे नहीं होता, मेरी आवाज को पता है, मेरी आवाज इतनी है, मधुबन चौक तक जाती है तेरी आवाज। अच्छा ठीक है सरिता, तो घूम जा, तूने शक्ल नहीं दिखानी ना। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं टी, चाय पी ले पहले, ठंडी हो जाएगी तेरी चाय, फिर मेरे को मत कहिए चाय ठंडी हो गई। और क्या, उस दिन तुमने चाय बना के दी, कहती अंकल ने बिल्कुल पतली चाय बना के दी थी। मैंने तो ये कहा, मैं कहा इतनी देर भाग जगाए, उन्होंने सोचा राखी नहीं, चलते को चाय दे दूं। चिलत्र आई छिटेगी है मेरे से, मेरे पति की ऐसे बोल रही है। कुछ नहीं कहा, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। ले कह रही थी अंकल ने बिल्कुल पतली से चाय, मैं कहा तेरे अंकल पीते ही पतली सी है। मैं पत्ती वाली चाय बनाते हैं।
ये ले इसमें भी हमारे वाले बिस्किट आए थे। अच्छा कल वाला पूरा हुआ ही है। दोनों का चल रहा है भोजन। आज ये काली दाल कैसे बन गई? तेरे लिए दिशा, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे लिए। आज खट्टी क्यों है इतनी ज्यादा? हम वैसे भी थोड़ी खाते हैं भावेश्वर में। नींबू बोलती नहीं खट्टी, जब इसमें भी कहेगा नींबू नहीं छोड़ा तो मैं खट्टी नहीं बनाई। भावेश के भावेश के नए घर की तैयारी हो गई? चालू चल रही है, जाके देखा पापा। टाइल्स लग रही है तो अभी तो शटर बंद होएगा, भावेश नहीं है तो नहीं सफाई कर रहा। कौन सफाई कर रहा है? ये आ गया ना, अभी तो वो शॉप पे होगा। तो पापा का लंच वही भिजवा देते दुकान पे। बेचारा मेरा भाई बार बार ये वो ये वो ही करता। हम तीनों के ग्राउंड मार के आएंगे। हाँ दीदी को दिखा दिया बेचारा तेरा भाई। दीदी के भाई का नया घर आफ्टर मैरिज। घर तो उसका ही है तो ये घर मेरे नाम हो रहा है। तो ये घर मेरे नाम हो रहा है। उसने कहा उसको कोई लालच कोई इच्छा नहीं है, तो जब नहीं है तो ठीक है, फिर मेरे को है मैं ले लूं। कि मिलना हमें ही है, वो तो कहने वाली बातें होती है। ये ले बेचारा छिलकी गया तेरे लिए। छिलिया ये बड़े बादाम तो मेरे को बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहे। अरे दीक्षा ये मौसी लाई थी ना, बहुत सारे पड़े हुए। अरे तो इसको छील के मत करो ना, वैसे ये स्वाद होते पर ये भिगोने में मजा नहीं आ रहा। जब से वो आदत हुई है खाने की, कौन सी गुड़बंदी, अरे जब से गुड़बंदी गुड़बंदी छोटे और क्रिस्पी लगते हैं, ये ढीले ढीले लग रहे हैं। अभी मुझे भी नहीं अच्छे लगते थे वो, मैंने जैसे इन्होंने भिगोने शुरू किए मैं खाते तो उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा था इनसे। डॉक्टर कहते हैं वही फायदा ही, कोई शो पीस है ही। ये तेरे मामा खाते हैं, ये सोने लाई थी मीठे की जगह, ये तो तल के रख लो। ये तो मैं कहती हूँ वैसे खाने में बढ़िया लगते हैं ये। फ्रेंड्स कई लोगों के कमेंट आया कि हमने इलायची देखी, तो सच में इलायची नहीं देखी क्योंकि मेरी सास खरीदती थी। सब लोग पता क्या कर रहे हैं, पहली बार इलायची खरीदी है, सच में पहली बार खरीदी है। अभी तक मेरी सास खरीदती थी और मेरी सास की खरीदी इलायची चल रही है। इलायची हमने पहली बार खरीदी है दीक्षा, हमेशा अम्मा जब से मेरी शादी हुई है 28 साल हो गए, 26 साल 27 साल बीते हुए अम्मा लेती थी और अम्मा को पता था राखी को इलायची का बिराग है, तो अम्मा ही मेरे को इलायची देती थी। अम्मा के बाद अभी तक मेरी वो इलायची चल रही थी फ्रेंड्स। तो आप लोग बोलो सच में ही अमृत है हमारे लिए इलायची। अब कोई जिसने जो कमेंट करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारे लिए इलायची अमृत है। और फ्रेंड्स मैंने पता है इलायची का सोल्यूशन कर दिया है दीक्षा का, महारानी जी का। इतनी इलायची वेस्ट करती है, देखो मैं दिखाती हूँ चुपके से। ये देखिए दीक्षा आएगा, ये देखिए इलायची जी, देखिये मेरे पहले भी तो मैं ऐसे मिक्स करती थी, कितना टेस्ट आता है। ढूंढने में भी नहीं दिख रही इलायची। ये देख इलायची, देखो दिख रही दिख रही ढूंढने पे। मैं दे दूंगी 4,000 रूपए एक किलो के, चलो डालो मेरी चाय में दो इलायची। वी आर एंजॉयिंग आवर टी। मेरे 100 पेट दोनों है, वो ऑकवर्ड लगता है। मीनू दीदी एंड मम्मी जा रहे हैं कुछ जो नई जगह ली है रेंट पे, उसके लिए कुछ देखने की टाइल्स वगैरह लगवाएं या क्या लगवाएं, तो थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह अच्छा करवा रहे हैं उसका। तो पापा ने बोला कि तू भावेश और तेरी मम्मी तुम तीनों ही देख लोगी कैसे क्या कराना है, तो जाते हैं। मम्मी और मिनी दीदी जा चुकी हैं, मम्मी और मिनी दीदी तो भागे जा रही हैं, तो जाती हूँ मैं स्कूटी पे। ओ वाह, स्कूटी पे फ्लावर रखा हुआ छोटू सा। लगता है कि इसके बाद मैं मतलब नहा के फिर जाऊँ अभी जीरू के शोरूम भावेश के साथ। उनका शोरूम है बुराड़ी में, तो उनका बेसिकली फर्नीचर का काम है। तो आई गेस पता नहीं भावेश को उनसे क्या चाहिए होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो जो भी चीज़ें चाहिए होंगी आज होगा, तो उनका शोरूम भी हम आपको दिखाएंगे। तो बुराड़ी के आसपास जो भी लोग रहते हैं, अगर उनको कुछ सामान लेना है तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं।
और हमारी रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो रेफरेंस से बेसिकली चीज़ होती है कि चीज़ अच्छी मिल जाती है। वैसे तो कोई सबको ही होता है कि यार अच्छा ही सामान बेचना है, कोई ख़राब बेच के वैसे भी रेडी नहीं होता। तो मैं एक बार जाऊँगी तो आप लोगों को उनका भी शोरूम दिखाती हूँ। आज अपने क्लियर कर रहे हैं ये साफ, टॉयलेट सीट हटा दी है यहाँ से, प्लेन कर दिया इसको पूरा। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि टॉयलेट सीट भी लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ चेंज कराने की नीड ही नहीं है नीचे। नहीं पापा ये कह रहे हैं तुम्हें पसंद आए तो करें इसको, ये मतलब मैं लगवा सकते हो वैसे। इसने सारी टैप्स बंद करके सीमेंट भर दिया। वैसे हाँ एक वो जो सुनो, जैसे तान्या ने अपने मम्मी तान्या ने अपने ड्राइंग रूम में नहीं लगवाई हुई थी वुडन शीट, वैसे लग जाएगी। हाँ ये वाला मंदिर यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो देखो कैश काउंटर वैसे अभी जी जो स्टूल वगैरह भी बना देंगे, स्टूल अच्छे या चेयर लेना चाहे हम छोटी वाली चेयर ले सकते हैं। अनिल भैया कह रहे हैं मेरा तो काम ही बढ़ा दिया। सो गाइस ये बेसिकली लिया हमने एक शॉप एंड इसका एड्रेस वगैरह हम सब कुछ आपको दे देंगे जब हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने मेन रोड पे ही लिया, लक्ष्मी स्टूडियो के जस्ट सामने ही है, हमारे सामने लक्ष्मी स्टूडियो है तो उसके जस्ट सामने शॉप लिया हमने। ये लक्ष्मी स्टूडियो हमारे घर के मतलब जब से मैं पैदा हुई तब से यहीं पे बना हुआ लक्ष्मी स्टूडियो। पहले जब भावेश्वर में स्कूल जाते थे ना रायन इंटरनेशनल, तो हमारी बस यहाँ आती थी और हम यहाँ पे बैठे रहते थे और यहाँ पे हम वेट करते थे बस का, फिर बस में बैठते थे। उनकी सफाइयाँ चल रही हैं, हम जा रहे हैं, मम्मी और पैदल जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ स्कूटी पे, भावेश्वर भैया कर रहे हैं सफाई। सारा लक्ष्मी स्टूडियो की रिफ्लेक्शन आ रही है पूरी वीडियो में। अरे बैठे रहो ना। क्यों क्या हो गया? कल बना लेना, कल शनिवार को बना लेते हैं। कल क्या हो गया, आज बना लेते हैं, आज क्या दिक्कत है? अरे अगर कल बनाओगे तो दो दिन की क्रीम बचेगी, फिर आज बना करके परसों फिर भागोगे शेप बनाने, क्रीम नहीं लगती क्या शेप बनाने में? बैठ जाओ। ताजी का शब्द खा गई। मैं कह रही थी ना स्क्रिप्ट नहीं पता होती, मैं कह रही थी कल ताजी ताजी शेप बन जाएगी तुम्हारी, सुबह नहाओगे शेप ताजी बासी क्या रहेगी, शेप भी ताजी पासी होती है। और क्या, अब नहालोगे क्या, अब शेव करके क्या फायदा, कल फ्रेश फ्रेश शेव करके नहाओगे तो और ज्यादा फ्रेश लगोगे, ताजी होती है वो और बासी होती है। और क्रीम बचाना सीखो, हफ्ते में एक बार शेव बनाओ उससे क्रीम बचती है, हफ्ते में करोगे तो उतनी क्रीम लगनी है, दो दिन में करोगे तो उतनी क्रीम लगनी है। पेस्ट करता हूं ना जो ब्रश में बाकी रह जाता है वही उससे लगा के कर लूंगा, शेविंग क्रीम बच जाएगी। ये भी कर सकते हो। अभी तुम्हारा इलायची का शॉर्ट टॉपिक खत्म नहीं हुआ दुनिया ने, और अभी तुम ये टॉपिक शुरू कर दो। मैंने कहा तू ही तरीके बता रही है तो मैं तेरे को तरीका बता रहा हूँ, तो तुम भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, उठ के शेव कराऊं। क्रीम तो पूरी बच जाएगी, जो टूथब्रश में पेस्ट करने का वो सरफेस में झाग से निकलते हैं ना वही लगा के उससे शेविंग क्रीम कर लो। ये तरीका बिल्कुल सही है, उसको थूकना नहीं पड़ेगा, यहाँ लगा लो ऐसे करके और उसी में शेवर चला लो बना।